हेलो एंड वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स, मैं मनीष सैनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एम्स न्यू दिल्ली की सबसे बड़ी वैकेंसी के अपडेट को लेकर। सबसे पहले वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सही और सटीक जानकारी सबसे पहले मिल सके। देखिए साथियों, आपको बता दें कि एम्स न्यू दिल्ली और एम्स झज्जर इंक्लूड वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। ग्रुप ए, बी और सी तीनों के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें स्टाफ नर्स से लेकर ओटी टेक्नीशियन से लेकर आपके रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, सभी प्रकार की वैकेंसी, मल्टीपर्पज वर्कर की वैकेंसी भी निकाली गई है। तो सारी बातों पे लोट ऑफ डिस्कस करेंगे। इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए साथियों, सबसे पहले चलते हैं स्टाफ नर्स की वैकेंसी की अपडेट को लेकर। यह वैकेंसी साथियों नोट सेट 2023 के अलावा वैकेंसी है। तो चलिए देखते हैं क्या पोस्ट हैं, कितनी यहाँ पर पोस्ट निकाली गई हैं। सभी जो पोस्ट हैं उसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे, वन बाई वन स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, सबसे पहली जो वैकेंसी है वो आपके सामने है, पब्लिक हेल्थ नर्स के नाम से वैकेंसी निकाली गई, जो कि लेवल 8 में आने वाली है। मतलब नर्सिंग ऑफिसर से हायर पोस्ट है, एक एसएनओ के लेवल की ये पोस्ट है। साथियों, बीएससी नर्सिंग आपने कर रखा हो या फिर साथियों आप सीनियर नर्सिंग या फिर मिडवाइफरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मतलब अगर आप कहीं एसएनओ है तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप बी की वैकेंसी साथियों एक पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। सिलेक्शन आपका सीबीटी एग्ज़ाम के थ्रू होने वाला है। सीबीटी एग्ज़ाम कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा साथियों, इसका अपडेट जैसे ही आएगा ब्रेंड ऑफ नर्सिंग यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। अब साथियों, यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, तो एक्सपीरियंस आप देख लीजिएगा, जो फैमिली केयर प्रोग्राम है उसके अंदर आपको होना चाहिए। हालांकि साथियों, एड्स एजुकेटर कम जो काउंसलर है, लेवल 7 की वैकेंसी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के बराबर है। वन पोस्ट यहां पर जनरल कैटेगरी की निकाली गई है। बीएससी नर्सिंग की डिग्री आपने की हुई हो, इसके अलावा आप कम्युनिकेबल जो डिजीज़ है उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर है तो साथियों यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये साथियों स्टाफ नर्स, जिसे आप नर्सिंग ऑफिसर के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन साथियों, पोस्ट केवल एक रखी गई है एसटी और जनरल के लिए। जनरल वालों में सभी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एसटी में केवल एसटी कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे। चलिए साथियों, अब डिस्कस कर लेते हैं जो अदर वैकेंसी निकाली गई है उसके रिगार्डिंग। देखिए साथियों, सबसे पहले जो वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, टेक्नीशियन रेडियोलॉजी के लिए निकाली गई है। लेवल 6 पर ये काम करने वाले हैं। आपने बीएससी ऑनर्स किया हुआ हो रेडियोग्राफी में, या फिर आपने 3 ईयर का एक्सपीरियंस लिया हुआ हो कोर्स करने के बाद में। 38 जो पोस्ट हैं वो आपके यहाँ पे निकाली गई हैं। 14 जनरल के लिए हैं, 12 ओबीसी के लिए, 7 एससी के लिए, 3 एसटी के लिए और 2 जो पोस्ट हैं वो ईडब्ल्यूएस के लिए रखी गई है। अब देखिए साथियों, को बता दें कि यहाँ पर 48 प्रकार की जो वैकेंसी हैं उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो 300 प्लस वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। आपके जो वैकेंसी काम के साथ हैं आप उस पर ध्यान दीजिएगा और उसमें अप्लाई कर सकते हैं। सारी जो वैकेंसीज़ हैं वो बताना साथियों पॉसिबल नहीं है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम साथियों आपको बता रहे हैं शॉर्ट्स एंड स्वीट्स। तो साथियों, ये नेक्स्ट वैकेंसी है, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के नाम से यहाँ पे निकाली गई है। लेवल 5 की ये वैकेंसी होने वाली है। टोटल 46 पोस्ट यहाँ पे निकाली गई है। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर आपकी 30 रखी गई है। आपने बीएससी कर रखा है तो 5 साल का एक्सपीरियंस आपके लिए कंपलसरी है। लेकिन साथियों, यदि आपने यहाँ पर 10+2 करने के बाद में ओटी आईसीयू या फिर सीएसएसडी में या फिर मैनिफोल्ड रूम में अगर आपने काम किया है, एक्सपीरियंस आपने ओटी टेक्नीशियन का कोर्स कर रखा है, आईसीयू में कोर्स कर रखा है, तो साथियों आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ओटी में काम करने वाले फिर ओटी टेक्नीशियन में डिप्लोमा या डिग्री लेने वालों को यहाँ पर प्रिफ्रेंस दिया जाएगा। मतलब उनको पहले जॉब में मिलने के जो पूरे चांसेस हैं वो रहने वाले हैं। इसी के अलावा साथियों, फार्मासिस्ट के भी वैकेंसी निकाली गई है, जो कि जनरल के लिए एक पोस्ट रखी गई है। तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप साथियों कि ये वैकेंसी सबसे पहले ब्रांड ऑफ नर्सिंग यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको पता चली है। वीडियो को शेयर, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करते रहिए सही और सटीक जानकारी लेने के लिए। अब देखिए साथियों, यहाँ पर एक और वैकेंसी निकाली गई है जिसका नाम है मल्टीपर्पज़ वर्कर। तो मल्टीपर्पज़ जो वर्कर हैं उनके लिए भी यहाँ पर 10 पोस्ट निकाले गए हैं। 4 जनरल के लिए हैं, 3 ओबीसी के लिए, 1 एससी, 1 एसटी और 1 ईडब्ल्यूएस के लिए है। सीबीटी एग्ज़ाम आपका होने वाला है। यहाँ पर जो आपका क्वालिफिकेशन से रखा गया साथियों, आपने या तो मल्टीपर्पज़ जो हेल्थ वर्क है वो कोर्स किया हुआ हो किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या स्कूल से ऑल इंडिया में कहीं से भी, या फिर साथियों यहाँ पर आपसे मांगा गया है कि आपने एएनएम का कोर्स किया हुआ हो। यदि आपने एएनएम का कोर्स कर रखा है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे फॉलो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए।
अब साथियों जान लेते हैं कि आप ऑनलाइन आवेदन कब तक कर सकते हैं। देखिए साथियों, आपको आवेदन केवल ऑनलाइन ही करना है। 24 अप्रैल से आज से शुरू हो चुके हैं और 13th जो मई है आप अप्लाई कर सकते हैं शाम को 5 बजे तक। इसके अलावा कहीं भी आपको डॉक्यूमेंट भेजने की आवश्यकता नहीं है साथियों। जो भी डॉक्यूमेंट आपसे फॉर्म भर मांगे जाएंगे वो सभी आपको अपलोड करने होंगे, तो अपने जो डॉक्यूमेंट है वो एकदम सही और सटीक रखें, अप टू डेट रखें। ऑनलाइन आवेदन साथियों आप 13 तक कर सकते हैं। फॉर्म फीस यहाँ पर जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 3,000 रुपये रखी गई है, SC और ST कैंडिडेट और EWS के लिए साथियों 2,400 रुपये यहाँ पर फीस रखी गई है। पर्सन विथ डिसेबिलिटी के लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है। एग्ज़ाम डेट साथियों जब भी आएगी तो सबसे पहला अपडेट हम आपको बता देंगे। इसके अलावा जो SC और ST के कैंडिडेट हैं साथियों उनको जो फीस है वो रिफंड कर दी जाएगी जो एग्ज़ाम देने जाएंगे। जो एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे उनको फीस रिफंड नहीं होगी, जो केवल एग्ज़ाम देने जाएंगे उनको ही फीस यहाँ पर रिफंड होने वाली है। तो धन्यवाद साथियों, ये आपके लिए एक जानकारी थी जो कि आपके बहुत काम आएगी।